सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और ये पैरों का सूक्ष्म व्यायाम का भी अभ्यास करेंगे। इसमें आपको गठिया, साइटिका, कमर दर्द, घुटना दर्द, एड़ी का दर्द, तलवे का जलन, पैर की अंगुलियों की समस्याओं से मुक्ति जीवन भर के लिए। आइए दोनों हथेली को कमर के पास, शरीर सीधा और सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पैर की अंगुली को मोड़िए। आप लोग ऐसे घुमाते रहो, सांस लेने में कोई कंजूसी मत करिएगा। फिर सांस भरते हुए तलवे को सीने की तरफ मोड़ेंगे, सांस को छोड़ते हुए पूरा पंजा आगे की तरफ ले जाएंगे। पांच दिनों में 80% बीमारी खत्म जो व्यक्ति यहाँ आके करेगा। फिर पैर के तलवे को गोल गोल घुमाइए इसे। अब इसको उल्टा घुमाएंगे। जो लड़का मिलिट्री की तैयारी करता है, जो सिपाही की तैयारी करता है, वो ऐसा अभ्यास करेगा कभी हाँफेगा नहीं। कितनों उसको दौड़ाइए। ये दौड़ने वाला नौजवान हाँफ के गिर जाता है और दौड़ में छट जाता है, इसलिए पूरा सांस भरिए, छोड़िए, सांसों पर नियंत्रण करिए। अब इसे पैरों को खोलेंगे ऐसे ऐसे सांस भर। आप लोग भी चचा जी बैठते जाइए ना धीरे धीरे। यहाँ तिरपाल बिछाए हैं, कितना इज्जत से आप लोगों को हम लोग व्यवस्था किए हैं और ये पूरे मिल्की गांव के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं सोचिए कि हमको न्योता नहीं दिया गया है, ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। ये स्वामी जी के निर्देश पर ये देश के एक एक गाँव में ये कार्यक्रम चल रहा है। और दोनों घुटना को ऊपर नीचे करेंगे इस प्रकार से। बहुत बढ़िया। अब एक एक पैरों को आगे पीछे करेंगे ऐसे बारी बारी से ऐसे। हाँ, दाहिना आगे तो बायां पीछे ऐसे। है ललका सीखो ना, एड़ी वही रहेगा, खाली ऐसे आगे पीछे हो रहा है, कंधा नहीं घुमा रहे बाबू। ये देख अच्छा कर लो, ये देखे ना, ये पैर आगे पीछे हो रहा है ना ऐसे, बहुत अच्छा। अब एक एक पैरों को मोड़ना है, सांस भरते हुए मोड़िए, सांस को छोड़ते हुए आगे ले जाइए। फिर दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए। आदमी मूर्छा गया है, लोहा में जंग लगते हुए देखे आप लोग नहीं, अब आदमी में भी मूर्छा लग रहा है, ना घुटना मुड़ रहा है, ना कमर मुड़ रहा है, ना हथेली मुड़ रहा है, ना पलथिया मारने आ रहा है, ऐसे ऐसे करे मूर्छा छुड़ा रहे हम लोग। अब इसको करिए धीरे धीरे इसे। एक गांव में परंपरा बन गई है कि बीमार होखा और समय निकाल, बढ़िया काम में समय नहीं निकालेगा आदमी। अब उनका के लकवा मार दो, उनका के कैंसर हो जाओ, गोल्ड टूट जाओ, आप पूछबा कि चल बा धान के कटनी करे, अब का तो लकवा मार दिले। यानी बुरा काम में जिंदगी भर समय मिलेगा आपको और अच्छे कामों में समय नहीं निकाल पाते, इसलिए भगवान उस आदमी को ना कुछ दे ही देता है। उसको घुटना टूटेगा, उसको लकवा मारेगा, अब जा आराम से बैठा रह जाकर अस्पताल में, ऐसे गोड़ टांग के छह छह महीना पड़ल बात, अब कब अब ना कुछ